जिस चेहरे की दम पर बीजेपी ने दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में अपनी सत्ता हासिल की, आज उसी चेहरे का हमशक्ल हमारे साथ है और वो कांग्रेस के समर्थक हैं। कांग्रेस के इस जश्न के माहौल में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल से। सर, क्या लग रहा है, क्या नतीजे आ रहे हैं ये? मैंने छत्तीसगढ़ में पूरा प्रचार प्रसार कांग्रेस के लिए किया। 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, भ्रष्टाचार में व्याप्त थी और जुमलेबाजी की सरकार अब पूरे देश से जा रही है। इस चुनाव ने ये संदेश और संकेत दिया है कि 2019 में राहुल गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आपको तो अपने हमशक्ल का समर्थक होना चाहिए। आपको एक नई पहचान मिली कि प्रधानमंत्री मोदी के ये हमशक्ल हैं, कहीं ना कहीं एक पहचान तो मिली है, तो आप तो उनके विरोधी हो गए। 2014 में वाराणसी में उनके प्रतिरूप में मैंने सेवाएं की थी। 4.5 वर्षों में मन की बात कहने वालों ने मन की बात नहीं सुनी है और अहंकार में वो चूर चूर रहे हैं। 150 पत्र मैंने लिखे थे पीएमओ को, कोई जवाब नहीं। अब जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलेगी, देश नहीं चलेगा। सब में सारी देश की जनता ने राहुल जी में अपनी आस्था व्यक्त कर दिया और राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं 2019। हमशक्ल के द्वारा जो सुनवाई नहीं की गई उसका नतीजा क्या? आप विरोध कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नया उत्साह मिला है। 125 करोड़ देशवासी दुखी हैं झूठ बोलने से। जुमले से सरकार नहीं चलती, अच्छे दिन आए नहीं, काला धन आया नहीं, 15 लाख खाते में आए नहीं, रोजगार मिला नहीं, किसानों पर गोलियां चल रही हैं, व्यापारी रो रहा है, कोई वर्ग खुशी नहीं है। इसलिए वो जा रहे हैं और राहुल जी आ रहे हैं। ये हमारे साथ अभिनंदन पाठक हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल हैं, जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचारक हुआ करते थे, उनके साथ काम करते थे, उनके समर्थन में लोगों से अपीलें करते थे, लेकिन आज वो उनके विरोध में हैं और कह रहे हैं कि मोदी ने अच्छे दिन के नाम पर लोगों के साथ ठगी की है और इसी ठगी के चलते लोगों ने अब देश से बीजेपी को नकारने का फैसला लिया है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।